वहीं उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले पूर्व आईपीएस और यूपी एटीएस के आईजी रहे असीम अरुण आज बीजेपी में शामिल हो गए। वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होने के बाद असीम अरुण ने कहा कि वो पूरा प्रयास करेंगे कि उन्हें जो अवसर दिया गया है उसके अनुरूप वो कार्य करें। दलित शोषित वंचितों के पिछड़ों के न्याय के लिए उनके सम्मान के लिए उनका शोषण न हो उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार न हो ऐसे असीम अरुण जी के परिवार के पिताजी भी डीजीपी रहते हुए भी अपना जीवन व्यतीत किया और दलित शोषित वंचितों के लिए सम्मान के लिए रचनात्मक के माध्यम से और पुलिस में रहते हुए किसी प्रकार गुंडों को गुंडे किसी प्रकार का शोषण न करें इसके लिए संघर्ष करते और न्याय करते। आज उसी रास्ते पर असीम अरुण जी भी यहां तक वो पहुंचे। क्या उनके मन में आया क्या सोचे और क्यों भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में एक ईमानदार अधिकारी क्यों चयन किया। जब मेरी वार्ता हुई असीम अरुण जी से उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जी हिंदुस्तान के अंदर मात्र एक दल ऐसा है जो राजनीति है लेकिन नेतागिरी नहीं करता है, समाज के गरीब तबकों को और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को दलित को सम्मान के लिए। मैं देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा नजदीक से और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी नजदीक से देखता हूं। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं संतुष्ट हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ा अवसर दिया है लोक सेवा का। और लोक सेवा की जब मैं बात करता हूं तो मैं एक बृहद रूप लेता हूं जिसमें कि किसी भी तरीके से लोक कल्याण के कार्य जो किए जाते हैं उसको मैं इसमें शामिल करता हूं। मैं समझता हूं कि ये एक ईश्वरीय संरचना है कि एक पुलिस कर्मी जो अपने काम को पूरे धुन के साथ कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पूरी ईमानदारी से करे उसके बारे में एक शीर्ष नेतृत्व कल्पना करे उस कल्पना के बारे में सुझाव दे और आप समझ सकते हैं कि ये निर्णय आसान नहीं था लेकिन जब इसके ऊपर पूरी तरीके से मैंने और मेरे परिवार ने विचार किया तो उनको लगा सभी को लगा कि एक तरफ कुछ 9 साल की एक मखमली जिंदगी है जिसमें कुछ और ऊंचे पदों पर जाने की संभावना है, दूसरी ओर कोई कष्ट नहीं है एक आम व्यक्ति की जिंदगी है लेकिन लोक कल्याण की लोक सेवा के बृहद अवसर है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी बृहद सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है नए नेतृत्व को विकसित करने की योजनाएं बनाना और तैयार करना। युवाओं के लिए प्रेरणा, एक ऐसा चेहरा जो युवा भी है ईमानदार भी है अनुभवी है प्रोफेशनल है और अपने इस करियर के दौरान एक भी दाग जिनके ऊपर नहीं और ईमानदारी की पहचान, ऐसे युवा अपना लंबा करियर छोड़ने अपना अनुभव लेकर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और असीम अरुण जी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी में करता हूं, उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं, उनके अनुभव से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और इनकी तरह कई और युवा जिन्होंने सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रण लिया है वो अपने अनुभव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आज केवल एक अधिकारी ने लंबा अपना अगला करियर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की, युवाओं को प्रेरणा देने वाले कैसे उनके भी युवा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास और सबका प्रयास उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।